नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 10 सितंबर 2019 है और 10 सितंबर 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और मार्च से लेकर अगस्त तक का मंथ वाइज PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमको खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान में बिहार का कौन सा जिला देश में तीसरे स्थान पर आया है। तो जल शक्ति अभियान में बिहार का गया जिला तीसरे स्थान पर आया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और रैंकिंग में जगह पाने वाला गया बिहार का एकमात्र जिला है, और गया जिला की 332 पंचायतों में 28,853 स्थानों पर जल संचय केंद्र बनाए गए हैं जहाँ बारिश का पानी जमा हो रहा है, और 57,74,188 पौधे भी लगाए गए हैं। जल संचय के संदर्भ में जागरूकता के मद्देनज़र 11,801 किसान विकास मेला का आयोजन हुआ है। और इस आंकड़े में कुछ कन्फ्यूजन भी है क्योंकि प्रभात खबर में गया को छठे स्थान पर बताया है जबकि दैनिक जागरण में तीसरे स्थान पर गया को बताया गया है। अब नाम आया है गया का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं गया कहाँ पर है। ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका गया जिला। गया जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है, तो देखिए औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है और नवादा है। फिर से देखते हैं, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और नवादा। अब नाम आया गया जिला का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। गया जिला का स्थापना 1865 में हुआ है, क्षेत्रफल हो गया 4,976 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 43,91,418 व्यक्ति, और जनसंख्या घनत्व हो गया 883 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और साक्षरता दर है 63.67%, और लिंगानुपात हो गया 937 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख नदी यहाँ का हो गया फल्गु नदी, और यहाँ के जो प्रमुख NH है, जो नेशनल हाईवे जो गुजरता है, NH2 है, NH 82, 83 और 99। NH2 को स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है, और इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है, जो कि जिनको शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। फल्गु नदी की लंबाई बिहार में 235 किलोमीटर है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी तथा सबसे ज़्यादा ठंडा गया जिला में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और विष्णुपद मंदिर गया में है जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी, और अहिल्याबाई इंदौर की महारानी थी। और 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे C.R. दास। दूसरा क्वेश्चन आज के, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में किस देश के पक्षी ने आशियाना बनाया है जिसके संरक्षण के लिए योजना बनाई जा रही है। तो नेपाल के 3 पक्षी ने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अपना आशियाना बनाया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेपाल के तराई क्षेत्र की पनडुब्बी, सुल्तान बुलबुल तथा धनेश चिड़िया ने वाल्मीकि नगर में अपना घोंसला बनाया है, और इन्हीं के संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में है। अब नाम आया पश्चिम चंपारण जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं पश्चिम चंपारण जिला कहाँ पे है। ये आ गया बिहार का मैप, ये रहा सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण जिला। पश्चिम चंपारण जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है, तो पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ठीक है, 2 जिला से सटा हुआ है। और गंडक नदी जो है बिहार में नेपाल के तरफ से आके पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है। और तो चलिए इसको बिहार के भौगोलिक मैप में देखते हैं। ये आ गया बिहार का भौगोलिक मैप, देखिए ये रहा आपका पश्चिम चंपारण जिला, देखिए नेपाल के तरफ से आके ये नदी पश्चिम चंपारण में इन की है, ठीक है। तो गंडक नदी पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में। अब नाम आया पश्चिम चंपारण का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल हो गया 5,228 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 55.70% है, और जनसंख्या 39,35,042 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व हो गया 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ का लिंगानुपात है 909 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख नदियाँ गंडक हो गया,
गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में पहलेजा घाट जो कि सारण में है के पास गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण पश्चिम चंपारण में है जिसका स्थापना हुआ था 1978 में। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और चंपारण जिला से ही महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में देश का पहला जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था और चंपारण जनपद जनपद के केसरिया स्तूप तथा लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था तो कनिंघम लगाया था। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण के मुरली फरहवा गांव के निवासी है। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था में मुलाकात की थी और चंपारण आने के लिए कहा था। 1866 से 86 के नील खतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का प्रमुख केंद्र चंपारण और मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद पर किन्हें चयनित किया गया है? तो बिहार में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद पर चयनित किया गया है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले वो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सीतामढ़ी के जिलाधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो वानावर हॉल्ट का नाम बदला गया है और वानावर हॉल्ट का नाम बदलकर वानावर कोटेश्वर नाथ धाम हॉल्ट रखा गया है, ठीक है। और ये जो वानावर हॉल्ट है ये गया और जहानाबाद के सीमा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी में सालों भर पानी रहने का उपाय किया जा रहा है? तो फल्गु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। फल्गु नदी में साल में कुछ ही महीने पानी होता है और ज़्यादातर नदी बिल्कुल सूखा होता है और सरकार कुछ ऐसे उपाय करने की सोच रही है जिससे कि नदी को नदी में सालों भर पानी भरा रहे। और फल्गु नदी गया में बहती है और बोध गया में इसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बोध गया को, ठीक है, बोध गया को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और साथ ही बोध गया राजगीर और वैशाली को बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आपस में जोड़ा जाएगा। अब नाम है बोध गया का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बोध गया जो ये फल्गु नदी जिसको निरंजना नदी कहा जाता है के किनारे स्थित है। बोध गया को उरुवेला के नाम से भी जाना जाता था। 500 ईसा पूर्व में बोध गया में वटवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया के महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है और महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक और कनिंघम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में बिहार को मिला है चौथा स्थान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार में 31 अगस्त 2019 तक 85.27 लाख LPG कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया गया है और देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और बिहार में पूर्वी चंपारण जिला प्रथम स्थान पर है तथा बक्सर जिला सबसे निचले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रमंडलीय आयुक्त आनंद कुमार ने प्राइवेट स्कूलों के फीस में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करने को मंजूरी दी है? तो 7% तक की वृद्धि की कर सकती है प्राइवेट स्कूल अपने फीस में और अगर 7% से अधिक वृद्धि करती है फीस में तो उसको अगले 6 महीने के फीस में ये ज़्यादा जो फीस ज़्यादा लिया गया है उसको एडजस्ट करना होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7%। तो दोस्तों ये तो था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिविजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार में कहां पर TCS सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों पटना में किया गया है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कल का दूसरा क्वेश्चन था, बिहार के किस व्यक्ति ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हृदय रोग पर व्याख्यान दिया है? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर हरेंद्र कुमार हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज के रिवीजन का क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में मोबाइल फोन घनत्व में देश में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने इजराइल में हुए 50वीं अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।